नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। अमिताभ बच्चन का रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी हर किसी दिन अपनी खास वजह से चर्चा में रहता है। इस शो में जहां आम लोग आकर अपने ज्ञान से किस्मत चमकाते हैं, वहीं केबीसी में कुछ ऐसी हस्तियां भी आती हैं जिन्होंने देश और लोगों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ खास काम किया हो। यह खास हस्तियां केबीसी के कर्मवील एपिसोड में नजर आती हैं। इस बार केबीसी 12 के कर्मवीर स्पेशल एपिसोड में खास दंपत्ति नजर आने वाले हैं। इस बुजुर्ग दंपत्ति के बेहतरीन काम को देखते हुए खुद को शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने इन्हें सलाम किया है। दरअसल केबीसी के कर्मवीर एपिसोड में पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोल्हे और पद्मश्री डॉक्टर स्मिता कोल्हे नजर आएंगी। केबीसी में शामिल होने के उनके एक वीडियो प्रोमो को शो के चैनल पर मीडिया में साझा किया गया है। सोनी टीवी चैनल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कर्मवीर स्पेशल एपिसोड का एक वीडियो प्रोमो जारी किया है। इस प्रोमो में रविंद्र कोल्हे और स्मिता कोल्हे की जिंदगी के बारे में एक छोटी सी झलक दिखाई गई है, जिसमें वह दोनों मरीजों और किसानों के प्रति अपनी सेवा को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनकी यह बात सुनकर अमिताभ बच्चन भी हैरान हो जाते हैं। सोनी चैनल ने रविंद्र कोल्हे और स्मिता कोल्हे के प्रोमो को साझा करते हुए अपने पोस्ट में लिखा, पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोल्हे, पद्मश्री डॉक्टर स्मिता कोल्हे कई सालों से ग्रामीण आदिवासी समुदाय की चिकित्सा और देखभाल में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर रविंद्र और डॉक्टर स्मिता पिछले 32 साल से गरीबों और किसानों के बीच सेवा कर रहे हैं। वह लोगों का इलाज करने के लिए महज 1 रुपए की फीस लेते हैं। आपको बता दें, रविंद्र और स्मिता महाराष्ट्र के अमरावती जिले में रहते हैं। वह कई वर्षों से मेलघाट क्षेत्र के बैरागढ़ में आदिवासी समुदाय की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने मात्र 1 रुपए से मरीजों का इलाज करना शुरू किया था। डॉक्टरी मदद के अलावा रविंद्र और स्मिता ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाते हैं। उनके इस प्रयास की वजह से उनके क्षेत्र में बच्चों की मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2019 में इस दंपत्ति को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।